नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका पब्लिक एशिया न्यूज में और आपके साथ मैं हूं निशांत वत्स। अब समय हो चला है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर रुख करते आपको बता दें, बहराइच हिंसा के बाद यूपी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद दो आरोपी घायल हो गए। पुलिस के अनुसार ये आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे। बता दें, उत्तर प्रदेश के बहराइच में दुर्गा पूजा के मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसा में युवक की हत्या कर दी गई थी। तब से माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। अगली खबर की ओर रुख करते आपको बता दें, भदरसा सामूहिक दुष्कर्म कांड में बुधवार को दुष्कर्म पीड़िता किशोरी की गवाही विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम निरुपमा विक्रम की अदालत में दर्ज करी गई। मामले की सुनवाई अब प्रतिदिन होगी। पीड़िता की गवाही के साथ ही आरोपी मोहित की ओर से अधिवक्ता ने जिरह की। समय के अभाव के कारण सह आरोपित राजू खान की अधिवक्ता ने जिरह के लिए समय मांगा। तीसरी बड़ी खबर की ओर रुख करते आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मथुरा में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने बिजली सुरक्षा अधिकारी संध्या सोनकर की 35,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा। उन्होंने ए श्रेणी के बिजली ठेकेदार का लाइसेंस बनाने के लिए 50,000 की रिश्वत मांगी थी। बता दें, 35,000 पर बात बनी थी। आरोपी अधिकारी को गिरफ्तार कर हाईवे पुलिस को सौंप दिया गया है। और अगली खबर की ओर रुख करते आपको बता दें, ऑनलाइन ट्रेनिंग में मुनाफे का झांसा देकर महिला से 4,00,000 रुपए की ठगी की। रकम वापस मांगने पर ठगों ने धमकी दी। बता दें, सदर बाजार क्षेत्र के तिलक पार्क निवासी मृदुल जैन की पत्नी गृहिणी है। उनके व्हाट्सएप पर SMC कंपनी का ऑनलाइन ट्रेनिंग सीखने और मुनाफा कमाने का मैसेज आया। उन्होंने विज्ञापन पर जैसे ही क्लिक किया तो उनका मोबाइल नंबर मांगा गया। महिला ने अपना मोबाइल नंबर दे दिया। इसके बाद उन्हें SMC व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर लिया गया। और आखिरी खबर की ओर रुख करते आपको बता दें, मथुरा में एक दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें अनियंत्रित पिकअप ट्रक बिजली के पोल से टकरा गया। बैक करते समय पिकअप ने गाड़ी से उतरते लोगों को कुचल दिया। हादसे में 2 बच्चियां समेत 4 की मौत हो गई है, जबकि 4 अन्य मजदूर घायल हो गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें, यह हादसा कोसी शारगढ़ रोड पर गाँव 7 विश्वा नगरिया के पास हुआ है। ऐसी उत्तर प्रदेश की ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद।